हम लोग अभी सीएम रेजिडेंस के बाहर है। आज सुबह 10 बजे से ही हम लोग यहाँ पर हैं। हमारे आने के दो कारण हैं। एक, जब हम यहाँ पर आज अपने धरने के लिए विकास भवन सिविल लाइन्स पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की रैली हो रही है सीएम रेजिडेंस के बाहर। हम यहाँ पर पिछले 35 दिनों से बैठी हैं। हमने दो बार रैली निकाली है। हमें कभी भी केजरीवाल के घर के पास नहीं आने दिया। बोला गया यहाँ हमेशा धारा 144 लगी रहती है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, आप यहाँ इकट्ठे नहीं हो सकते हो। तो आम आदमी पार्टी के लिए क्या दूसरा कानून है? क्या उनके लिए यहाँ पर हाई कोर्ट का धारा 144 का कोई मामला नहीं है? उसके बाद हमारी ये मांग थी कि जॉइंट डायरेक्टर नवलेंद्र कुमार सिंह, जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने कल हमारी बहनों के लिए, मेरे लिए काफ़ी आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए, हमें लफंगी बच्चलन कहा। इसके अलावा उन्होंने हमारी बहनों को खुलेआम टर्मिनेशन की धमकी दी। बोला इनके सर फरोश, यानी इनके सर कलम, इनके सर काट दिए जाने चाहिए। हम ये पूछ रहे हैं, ये हिंदुस्तान लोकतंत्र है या यहाँ पर किस तरीके का राज है? यहाँ रात के 9 बजे हुए हैं, 9 बजे हम सुबह के 10 बजे से यहाँ पर इस नवलेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ FIR करवाने के लिए बैठे हैं। और ये बहरी गूंगी दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अभी मनीष सिसोदिया ने कल हमारी बहनों के खिलाफ FIR करवाई है। क्यों? क्योंकि उसने झूठा आरोप लगाया कि हमने उनके साथ मारपीट की थी। मारपीट की थी? कौन सी तफ्तीश हुई थी मारपीट की? कौन सा एविडेंस चेक किया गया था? आज हमारी कंप्लेंट लेने के बारे में इन्होंने इतना आनाकानी की, उसके बाद अब FIR करवाने के लिए 10 बहाने बना रहे। हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि भाजपा और केंद्र सरकार इस वक्त अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के साथ मिली हुई है और दोनों मिलकर आंगनवाड़ी कर्मियों का दमन कर रहे हैं। अभी पुलिस ने यहाँ पर हमें कहा है कि आप यहाँ से हटते हो कि नहीं हटते हो, अगर नहीं हटोगे तो तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। ये दिल्ली पुलिस कह रही है। यहाँ पर लाठीचार्ज करने की बातें हो रही हैं। इन्हें यहाँ पर बंगलों में रहने वाले अमीरजादों की फिक्र है। पिछले 35 दिन से हम काम काजी औरतें, हम मजदूर औरतें, हम आंगनवाड़ी की औरतें दिल्ली की सड़कों पर बैठी हैं अपने लोकतांत्रिक जनवादी अधिकारों के लिए। इन्हें तब कोई कानून याद नहीं आया? इन अमीरजादों के लिए इन्हें सारे कानून, सारे कोर्ट, सारी कचहरियां याद आ रही है। तो आज हम यहां पर सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि नवलेंद्र कुमार सिंह जॉइंट डायरेक्टर, जो कि एक स्त्री विरोधी तत्व, एक अपराधी है, उसकी जगह WCD डिपार्टमेंट में नहीं है, उसकी जगह तिहाड़ में है, उसको तिहाड़ भेजा जाए, उसके खिलाफ तत्काल FIR की जाए, इसलिए हम यहाँ पर हैं। कितनी महिलाएं हैं जो कर्मी जो यहाँ पर बैठी हुई हैं? और ये आपका जो हड़ताल है आजकल, ये भूख हड़ताल आज से आपने स्टार्ट किया, ये कब तक चलने वाली है? यहाँ पर लगातार औरतें आ रही हैं। आपको पता ही है हमारा दूसरा धरना ISBT कश्मीरी गेट पर भी जारी है और आज ही हम लोगों ने यहाँ पर क्रमिक भूख हड़ताल का फैसला लिया है। और ये फैसला हमने इसीलिए लिया है क्योंकि दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल की शह पर हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए तो हर तरह की तरकीब आजमाती है। जब हम बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति के खिलाफ FIR करो, जिसका ऑन रिकॉर्ड हम उनको एविडेंस दे रहे हैं, तब भी नहीं FIR कर रहे हैं। मतलब हम पिछले 10 घंटे से FIR करवाने के लिए बैठे हुए हैं। अब वो जब तक FIR नहीं करेंगे, हमारी क्रमिक भूख हड़ताल, हमारा धरना यहाँ जारी रहेगा। और ये एक बार फिर दिखला रहा है कि केंद्र सरकार, जिसके अंडर दिल्ली पुलिस काम कर रही है, वो दिल्ली सरकार की पूरी मदद करिए। और आने वाले दिनों में, बल्कि कल से ही, हम ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के खिलाफ बल्कि भाजपा के खिलाफ भी अपना बहिष्कार आंदोलन चलाएंगे। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले निगम चुनाव में इन दोनों का ही सूपड़ा साफ हो। मैम, पहले आप 300 मीटर की दूरी पर बैठे थे और अभी आप 50 मीटर की दूरी पर घर के बाहर ही आ गए केजरीवाल जी के। हाँ, क्या आप जो केजरीवाल के विरोधी नारे जो आप लगा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि केजरीवाल जी ने आके अभी तक बात नहीं? अभी तो हमें तो लग रहा है कि उनके घर में भी हम लोग जा सकते हैं। ये बैरिकेड हटा दो ना, हम उनके घर भी चले जाएंगे। मेन बात ये कि आज ये हमारे आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है। मैं बताना चाहती हूँ, हमारे आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है कि हम इतने, हमारी 2017 की हड़ताल यहाँ पर थी, हमारी हड़ताल के बाद ही हाईकोर्ट में यहाँ के अमीरजादे गए थे और उन्होंने यहाँ पर स्टे लिया कि यहाँ प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल, जिसने 2014 में जब वो पहली बार सत्ता में आया था, इसकी नोटिंग की तो 2011 से ही चल रही थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ये संघ परिवार का मोहरा है, संघ परिवार का पूरा कंट्रोल है। और ये पूरा आंदोलन भी हमें पता है कि संघ परिवार का ही खड़ा किया गया था। आज ये केजरीवाल जो धरने दे देकर CM बना है, वो तो ये कह रहा था वो बंगले में नहीं रहेगा। आप ऐसी जगह क्यों रह रहे हो जहाँ पर बंगले बने हुए और आपके पड़ोसियों को दिक्कत हो रही है? आप जाके किसी झुग्गी बस्ती में ले लो ना झुग्गी,
आप तो दिल्ली के आम आदमी हो, आम आदमियों की नुमाइंदगी करने वाली सरकार हो, जाके बैठो नरेला के झुग्गी बस्ती में, जाओ शाबाद डेरी में, जाओ भवाना में, जाओ नहीं जाओगे, आपको सिविल लाइंस के पॉश इलाके में बंगले में रहना है। तो बंगले में रहोगे तो तुम्हारे पड़ोसियों के भी नाक में दम करेंगे, तुम्हारे भी नाक में दम करेंगे। स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है ये लोकतंत्र कितना बड़ा ढोंग तंत्र है। इनके अधिकारों की बात के लिए पुलिस हमें हाईकोर्ट के ऑर्डर दे रही है। हमारे अधिकार क्या हैं? हम कौन हैं? हम यहाँ देश के नागरिक नहीं हैं? हम हिंदुस्तान के लोग नहीं हैं? ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये देश दो फर्कों में बटा हुआ है। एक फर्का वो है जो कि काम करता है, मेहनत करता है, मशक्कत करता है और वो सड़कों पर बैठा है अपने अधिकारों के लिए, और ये एक बैठे हैं यहाँ एसी बंगले में। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जो पीछे वाला घर है ये 2017 की हड़ताल में बन रहा था, जो बना रहे थे इस अय्याशी के अड्डे को वो चले गए, उनकी स्वर्ग से विदाई हो गई, और आज यहाँ के रेजिडेंट्स बोल रहे हैं कि हमारे निकलने की जगह नहीं है। तुम हमारे जनवादी अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार छीनोगे तो यही होगा। घर घर में, घर घर के आगे, तुम्हारे बंगलों के आगे डेरा डलेगा मजदूरों का, तुम्हें बताएंगे जिससे तुम्हें तकलीफ होती है वो चेहरा तुम्हें दिखाएंगे हिंदुस्तान का। जब तक इसके नवलेंद्र कुमार के खिलाफ FIR नहीं हो जाती, FIR कर दो, अभी कर दो, हम तो चले जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली की आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि 8 मार्च को हमारी आंगनवाड़ी स्त्री अधिकार रैली जो कि राजघाट से दिल्ली सचिवालय तक जाने वाली है, ये 8 मार्च हम स्त्रियों का, मेहनत करने वाली स्त्रियों का दिन है, जिन्हें स्वाति मालीवाल से लेकर आतिशी मार लेना जैसे आपकी ऐसी नेताएं जिन्हें मेरे को स्त्री कहते हुए भी मुझे 10 बार सोचना पड़ रहा है और मुझे शर्म आती है, ये उन लोगों का दिन नहीं है। वो यहाँ बैठे हुए अमीरजादों की औरतों का दिन नहीं है, वो नीता अंबानी का दिन नहीं है, वो हम औरतों का दिन है, मेहनत करने वाली औरतों का दिन है, वो तुम्हारा दिन है आंगनवाड़ी की बहनों। उस दिन को रिक्लेम करो, आओ उस दिन रैली में शामिल हो। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगी, मैं जानती हूँ डिपार्टमेंट यूनियन के खिलाफ, मेरे खिलाफ तरह तरह के गुस्सा प्रचार कर रहा है, इन बातों में मत आओ, अपनी हड़ताल को मजबूत बनाओ। आपको ये देर सवेर टर्मिनेट करेंगे, ये आज जानबूझ के भाई हमारी बहन ने जैसे कहा डिवाइड एंड रूल की नीति अपना रहे, अगवा 10 लोगों को टर्मिनेट करो, बाकी के डर जाएंगे, लेकिन जो डरेंगे वो भी मरेंगे, वो भी देर सवेर मरेंगे, और तब कोई यूनियन भी नहीं होगी बचाने के लिए। इसलिए उन बहनों को भी कहूंगी आओ, मैं जानती हूँ तुम लोग माइनॉरिटी में हो, शामिल हो जाओ और अपनी हड़ताल को मजबूत करो, दिल्ली सरकार को, WCD डिपार्टमेंट को मुंह तोड़ जवाब दो। थैंक यू।